हेलो फ्रेंड्स, विशाल छाबड़ा अकेडमी वंस अगेन वेलकम्स यू ऑल। वी आर डूइंग सीरीज ऑफ सीटेट एमसीक्यूज। हम लोगों ने जो मैंने पहले वीडियोस डाली हैं उसमें भी मैंने 2019 के और 2020 के पेपर डिस्कस करे हैं। ये वाला जो पेपर है ये एक्चुअली 2020 तो अभी हुआ ही नहीं है, 2019 का पेपर हमने डिस्कस करा था और 2018 का भी करा था दिसंबर का। आज जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो 2019 का दिसंबर का पेपर है जो कि 8 दिसंबर को हुआ था। इसमें हम लोग कंटेंट पार्ट करेंगे साइंस का, पेपर टू का। आप इसकी जो हम लोगों ने जो वीडियोस पहले बनाई हुई हैं इस चैनल में वो इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। सीटेट के सारे टॉपिक साइंस के कंटेंट के जो हैं उनमें हैं, आप उनमें से वीडियोस देखकर पढ़ सकते हैं। नोट्स मैंने साथ में दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज। पेपर नंबर टू, दिसंबर 2019, साइंस पोर्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, X is a chemical present in our stomach and is necessary for digestion of food. When X is secreted in excess, it causes health problems like indigestion. Y is a chemical used to treat this condition. What could be X and Y? इन्होंने पूछा है कि X एक ऐसा केमिकल है जो हमारे पेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और डाइजेशन के लिए फूड के डाइजेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब ये एग ज़्यादा सिक्रेट हो जाए तो ये हम लोगों को इनडाइजेशन कर देता है, ठीक है, अपाचन जैसी समस्या उत्पन्न कर देता है। और उसको क्योर करने के लिए हम लोग वाई को यूज़ करते हैं। तो हमें बताना है एक्स और वाई क्या है। देखिए, हमें ये पता है कि हमारी बॉडी में, स्टमक में HCl सिक्रेट होता है जो कि डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेकिन ये ज़्यादा पहुँच जाए, HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाए कि हम लोग ज़्यादा तला वाला खाना खा लें या ज़्यादा मसालों वाला खा लें तो क्या होता है, तो ये हम लोगों को एसिडिटी क्रिएट करता है। फिर जब एसिडिटी हो जाती है, इसका मतलब X जो है वो एक एसिड है, राइट, वो भी कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब उसको ठीक करने के लिए हमने Y को यूज़ करा। और Y क्या है, आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में जब मैंने एक एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स की वीडियो करवाई थी तो मैंने बताया था कि जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। ये जो है ये एसिड को बिल्कुल क्योर कर देता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है, X इज़ अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड and Y is milk of magnesia is an absolute right option, option number 3, ठीक है। We switch over to second question. In which of the following processes bacteria is not used? पहला है formation, कौन सी ऐसी process है इनमें जिनमें कि जीवाणु का, bacteria का use नहीं होता। पहला है formation of curd, दही बनाना। दही आपको पता है bacteria से ही बनती है, जिसका नाम है lactobacillus acidophilus, ये बनाता है curd, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड जो बनती है वो हमें मालूम है वो यीस्ट से बनती है, ठीक है। तीसरा है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस। अब आप बोलोगे कि भाई फर्मेंटेशन भी यीस्ट से होती है। एक्चुअली फर्मेंटेशन में जब शुगर केन जूस होता है, जैसे ब्राज़ील जैसी कंट्रीज़ है ना, उनमें एक ज़ाइमोमोनास नाम का बैक्टीरिया भी यूज़ होता है जिससे कि फर्मेंटेशन की जा सकती है। लेकिन बेकिंग ऑफ ब्रेड में बैक्टीरिया बिल्कुल भी कहीं भी नहीं यूज़ होता। और चौथा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको मालूम है राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है पल्सेस की, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, और वो बैक्टीरिया ही है। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन जो है हमारे पास वो तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है ही, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस रह गई, बेकिंग ऑफ ब्रेड या फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस, जिसमें कि फर्मेंटेशन ऑफ शुगर जूस में मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया यूज़ हो सकता है फर्मेंटेशन में, बट बेकिंग ऑफ ब्रेड इज़ द ओनली ऑप्शन वेयर ओनली यीस्ट इज़ यूज्ड, नो बैक्टीरिया इज़ यूज्ड। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? पहला है डीफॉरेस्टेशन। डीफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि वनों को उन्मूलन करना, उनको ख़त्म करना, ठीक है। फिर है डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थलीकरण करना, ठीक है। इरोजन का मतलब अपरदन। इरोजन मतलब जब टॉप लेयर हटाई जाती है मिट्टी की, जो कि पानी से हवा से भी निकल सकती है, उसको इरोजन कहते हैं। तो ये सारी की सारी जो है ना, ये चीज़ें हटाने वाली हैं कुछ ना कुछ। फोर्थ ऑप्शन जो है वो है कंजर्वेशन, संरक्षण करना, किसी को बचाना, किसी को इकट्ठा करना, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, कंजर्वेशन, दिस इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? डाइजेशन इज़ अ केमिकल चेंज, ये बिल्कुल सही है. फोटोसिंथेसिस इज़ अ केमिकल चेंज, वो भी बिल्कुल सही है. रेस्पिरेशन, जिसमें कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये वाला भी बिल्कुल केमिकल चेंज है. क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टल का जो बनना होता है वो कौन सा चेंज है? एक्चुअली क्रिस्टलाइजेशन में कोई केमिकल चेंज नहीं होता, कोई केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं होता, सिर्फ उनके क्रिस्टल की शेप चेंज होती है. सो इट इज़ अ फिज़िकल चेंज, ठीक है. और फिज़िकल चेंज है तो ऑब्वियसली ये फिर डिफरेंट हुआ. तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ अ राइट ऑप्शन. क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ केमिकल चेंज, दिस इज इनकरेक्ट, वही पूछा गया है हमसे, ठीक है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एसेंडिंग ऑर्डर एज पर द साइज ऑफ द पार्टिकल्स. देखो एसेंडिंग मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक, ठीक है, छोटे से बड़ा. सबसे रॉक तो आपको मालूम है कि जो रॉक ऑप्शन है वो तो सबसे बड़ी है, तो वो तो हो ही नहीं सकती, फर्स्ट तो चला ही गया. फोर्थ ऑप्शन में भी रॉक है सबसे बड़ा, तो ये आरोही क्रम नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर नहीं है. मेन जो प्रॉब्लम है वो है सेकंड और थर्ड में, कि अब क्ले, और उसमें भी देख लीजिए लास्ट के जो ऑप्शंस हैं उसमें रॉक है, उससे पहले वाले ऑप्शन में ग्रेवल है, सैंड भी है. कन्फ्यूजन सिर्फ ये है कि क्ले और सिल्ट में छोटा कौन सा है. तो जो क्ले के पार्टिकल्स होते हैं, जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, वो सबसे छोटे होते हैं. उसके बाद सिल्ट आती है, जिसके पार्टिकल्स जो हैं वो क्ले से थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है. तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इज एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन गोज, द फंक्शन ऑफ द गिल्स इन द फिश. फंक्शन क्या है गिल्स का फिश में? सिर्फ क्या ऑक्सीजन को हवा से लेना, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द वाटर, पानी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, या एक्सक्रीट वेस्ट इन टू द वाटर, मतलब पानी में अपने अपशिष्टों को उत्सर्जित करना. तो जो गिल्स का मेन फंक्शन है वो क्या है, कि डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज़ करेगी तभी तो कुछ होगा ना. तो दिस इज़ टू एब्जॉर्ब द डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. थर्ड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट. नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कम्प्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ वन रन्स आउट ऑफ कनेक्टिंग वायर. अगर हम लोगों को ये भी मैंने इलेक्ट्रिसिटी जब वो करवाया था उसमें मैंने ये सब बताया था, ये भी मेरी वीडियोज़ देख लेना, लास्ट वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी कंटेंट पार्ट की, उसमें मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और नेचुरल फिनोमेना वगैरह लिए थे, तो उसमें ये मैंने सारा एक्सप्लेन करा था. वैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि अगर हमारे पास, हमें कोई सर्किट कंप्लीट करनी है, ठीक है, अगर हमारे पास कनेक्टिंग वायर कम पड़ रही है तो हम ऑब्वियसली कंडक्टर ही लेंगे, सुचालक लेंगे, कुचालक तो लेंगे नहीं. अब पेपर स्ट्रिप को देखो, चाहे रबर को देखो, चाहे वुडन स्टिक को देखो, ये तीनों जो हैं वो कुचालक हैं, दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओनली द ब्लेड इज़ द वन विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो आर ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली राइट. नाउ वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. मंजुला इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन अ प्लेन मिरर. मंजुला जो है वो अपनी ऑब्जर्व इमेज को ऑब्जर्व कर रही है प्लेन मिरर में, जो हमारे घर में शीशा होता है उसमें. द डिस्टेंस बिटवीन हरसेल्फ एंड द मिरर इज 5 meters. उसके बीच में और जो शीशा लगा हुआ है उसमें 5 meters की दूरी है, ठीक है. शी मूव्स 1 meter टूवर्ड्स द मिरर. अब वो 1 meter आगे चली गई है मिरर के पास. द डिस्टेंस बिटवीन द हरसेल्फ एंड हर इमेज इज नाउ. देखो अगर वो 1 meter आगे चली गई है तो 4 meter हो गया, ठीक है. अब इमेज जो बनेगी उसके बीच में और इमेज में 4 + 4 कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 8 meter का, ठीक है. तो ये हो जाएगा 8 meters, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 30 times इन 3 seconds. Choose the correct statement from the among the following. Pehla hai, its time period is 10 second and frequency is 3 hertz. Second hai, its time period is 0.1 seconds and frequency is 10 hertz. Third is, its time period is 10 seconds and frequency is 0.3 hertz. And time period is 0.3 seconds and frequency is 0.3 hertz. Dekhe, iska jo formula hota hai, wo hota hai, n इज इक्वल टू एफ इंटू टी, ठीक है.
एफ इंटू टी, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जो हैं वो फ्रिक्वेंसी इंटू टाइम से गुणा होते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि ऑसिलेशंस कितनी दी हुई हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 30 दी हुई हैं, ठीक है, और जो टाइम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3 सेकेंड्स। तो जो हमारी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 हर्ट्ज, ओके। और जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो 1/T होती है, तो 1/10 जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0.1। तो हमारा ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, जिसमें टाइम पीरियड इज़ 0.1 सेकेंड्स एंड फ्रिक्वेंसी इज़ 10 हर्ट्ज़, इज एब्सोल्युटली राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये कि n इज इक्वल टू f इंटू टी। एफ हमने निकाल दी फ्रिक्वेंसी, वो हमारे सीधा 10 आ गई। अब फ्रिक्वेंसी को रेसिप्रोकेट किया जाए टाइम, तो हमारे पास आ जाता है 0.1, 1/10 जो है दैट इज़ इक्वल टू 0.1। तो ये सेकेंड ऑप्शन इज़ एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब हमने यहाँ पे ध्यान देना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने पहचाननी है। पहला है कि बॉल बेयरिंग्स जो है दे आर यूज टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ द मशीन। जो हम बॉल बेयरिंग्स लगाते हैं गोल गोल, क्या वो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए लगाते हैं या डिक्रीज करने के लिए लगाते हैं? तो ऑब्वियसली वो पहला ऑप्शन ही गलत है कि हम लोग बिल्कुल डिक्रीज करने के लिए नहीं लगाते, और उन्होंने वही पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही राइट है, हमें 3 पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, पहला ही ठीक है। लेकिन फिर भी सेकंड ऑप्शन हम देखते हैं कि फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट कैन नेवर बी एलिमिनेटेड ऑन अर्थ, कि पृथ्वी पर संपर्क में रखे हुए दो जो चीज़ें हैं उनको क्या घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये भी ठीक है। द फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन इट्स शेप, किसी तरल में मतलब लिक्विड में अगर गति करते हुए कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसके ऊपर जो घर्षण बल लग रहा होता है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है, वो उसके शेप के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल। तो पहला ऑप्शन जो है दैट इज इनकरेक्ट, ओके। नाउ वी कम टू नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब हमें इसमें करेक्ट ढूंढना है, ठीक है। पहला है आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अगर हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी हुई है तो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है वो है पोटेशियम, फिर है सोडियम, फिर है कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर है एल्यूमिनियम, फिर है जिंक, ठीक है, फिर है आयरन, और उसके बाद है टिन, उसके बाद है लेड, ठीक है, और उसके बाद है हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाद है कॉपर, फिर है Hg, Ag, Au और Pt। Hg मतलब मरकरी, ठीक है, Ag मतलब सिल्वर, और Au मतलब गोल्ड, और Pt मतलब प्लेटिनम, ठीक है। अब हमारा ये जो, अब ये आप पहले लिख लो, उसके बाद फिर ऑप्शंस को रीड करो कि आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। अब आयरन जो है वो जिंक से नीचे है, तो ऑब्वियसली वो उसको रिप्लेस नहीं करेगा, जो ऊपर एलिमेंट्स होते हैं वही नीचे वाले को रिप्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज। दूसरा ऑप्शन है जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। अब कॉपर जो है वो नीचे है और जो जिंक है वो ऊपर है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली क्योंकि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव, तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है। फिर है कॉपर कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम सल्फेट सॉल्यूशन, अब कॉपर है नीचे आयरन है ऊपर है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन जिसमें ओनली बी है वो एब्सोल्युटली राइट है। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होनी चाहिए, मैंने जब ये रिएक्टिविटी सीरीज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की वीडियो बनाई थी ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था, और इसकी ट्रिक भी दी थी कि आप इसको कैसे याद करते हैं। करीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है टिन याद करना है आपको, लेड याद करना है, हाइड्रोजन बिल्कुल बीच का है, फिर है Cu, Hg, Ag, Au, Pt, ऐसे करके मैंने याद करवाया था। लेकिन आप लोग और भी वो देख सकते हैं एक बार वीडियो, फिर आप इसको लर्न कर सकते हैं, प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। पहला है, इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है,
क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड्स. जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं, जो डॉक्टर थर्मोमीटर होते हैं, क्या उनको यूज़ किया जाता है बॉइलिंग लिक्विड का टेम्परेचर जानने के लिए? बिल्कुल नहीं. रूम थर्मोमीटर्स हैव अ रेंज फ्रॉम 30 to 100 डिग्री सेल्सियस. क्या जो रूम थर्मोमीटर्स होते हैं उनका ये रेंज होती है? नहीं. लेबॉरेटरी थर्मोमीटर्स हैव अ रेंज ऑफ 35 to 42. बिल्कुल नहीं. 35 to 42 तो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स की, जो हम लोग लगाते हैं घर में बुखार आपने के लिए, उसकी होती है. फोर्थ है, द रेंज ऑफ ए लेबॉरेटरी थर्मोमीटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. ये एब्सोल्युटली राइट है कि भाई प्रयोगशाला में जो हम लोग थर्मोमीटर्स यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली जो इनकी रेंज होती है वो कितनी होती है, माइनस टेन से -110 डिग्री सेल्सियस. तो हमारा जो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ये बिल्कुल ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स. इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने देखनी है इसमें. पहला है, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ केरोसिन इज मोर देन दैट ऑफ कोल. क्या जो कैलोरीफिक वैल्यू है केरोसिन की वो ज़्यादा है? ठीक है, किससे? कोल से. दूसरा है, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज़ मोर देन दैट ऑफ वुड. क्या कोयले की वुड से ज़्यादा है? तीसरा है, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज़ मोर देन दैट ऑफ LPG. कि बायोगैस की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो मोर है. और चौथा है, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ CNG इज़ मोर देन दैट ऑफ डीजल. देखिए, पहला जो है, हमें पहली बात इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है. ठीक है, पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि केरोसिन की जो होती है वो कोयले से ज़्यादा होती है कैलोरीफिक वैल्यू. ओके, फिर दूसरा ये है कि जो कोयले की होती है वो लकड़ी से ज़्यादा होती है, ये भी ठीक है. जो फोर्थ ऑप्शन है कि CNG की जो होती है कैलोरीफिक वैल्यू वो डीजल से भी ज़्यादा होती है. अब बायोगैस की अगर बात की जाए तो बायोगैस की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है 35,000 से लेकर 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम. कितनी होती है? 35,000 से 40,000 तक होती है कैलोरीफिक वैल्यू बायोगैस की. और जो LPG की होती है वो 55,000 अबव होती है. तो हमारा जो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसमें है कि अ बस ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट्स. ठीक है, अगर एंड देन एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर आवर फॉर द नेक्स्ट 18 मिनट्स, और फिर 40 किलोमीटर पर आवर करती है नेक्स्ट 18 मिनट्स के लिए, तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है. देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर स्पीड 1 को देखा जाए तो स्पीड जो है वो आपको मालूम है कि वो जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है. ठीक है, स्पीड जो है वो दैट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक, अब हमारे पास जो स्पीड दी हुई है वो 50 दी हुई है किलोमीटर पर आर, और डिस्टेंस जो है वो हमें निकालना है. टाइम जो है वो 12/60 है. 12/60 क्यों है भाई? क्योंकि इन्हें मिनट्स में दिया हुआ है और हमें किलोमीटर पर आवर में निकालना है. ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा ये डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ये 60 ऊपर चला जाएगा. ठीक है, और डिस्टेंस इंटू 60 जो है दैट विल बी इक्वल टू 50 × 12. ठीक है, और ये अपॉन 60, ये 0 से 0 कट गई, 6 × 2 = 12 हो गया. तो 10 किलोमीटर जो है ये हमारा पहले का 10 जो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर हमारा पहले वाले का आ गया. ठीक है, अगर हम दूसरा करते हैं इसका, मतलब दूसरे वाले का, द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर फॉर द नेक्स्ट 18 आवर्स, उसमें भी क्या होगा? उसमें 40 × 18 आ जाएगा. ठीक है, अपॉन आ जाएगा 60, तो ये हमारा आ जाएगा 12. तो दूसरा डिस्टेंस हमारे पास 12 आ गया. हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला निकाला है और डिस्टेंस निकाला है क्रॉस मल्टीप्लाई करके. ठीक है, सिर्फ मैंने मिनट्स को जो है वो मैंने आवर्स में बदल कर दिया है अपॉन 60 करके. तो पहला हमारा डिस्टेंस आ गया 10 और दूसरा आ गया 12, तो टोटल हमारा कितना हो गया? 22 किलोमीटर्स. तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, टोटल डिस्टेंस निकालना था, पहले हमने एक निकाल दिया, फिर हमने दूसरा निकाल दिया, उनको प्लस कर दिया बस. ठीक, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग.
पहला है द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सेस इज अ पीरियोडिक मोशन. बिल्कुल उसी की वजह से जो दिन वो 24 आवर्स होते हैं जो दिन में, वो इसी की वजह से होते हैं कि वो अपनी अक्ष की तरफ बिल्कुल पीरियोडिक मोशन की तरह गति करती है. ठीक है, जो मोशन ऑफ लाइट है दैट इज़ रेक्टिलिनियर मोशन. ऑब्वियसली अगर आप एक पाइप लीजिएगा, मैंने लाइट का पूरा जो है सीरीज़ वो मैंने अपने उसमें बनाई हुई है वीडियोस में, आप इसको देखिएगा, आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी. बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन इतना करती हूँ कि अगर आपने एक पाइप ली है और उसके अंदर से आप देखते हैं कोई चीज़ को, कैंडल जलाई हुई है तो आपको वो नज़र आती है, लेकिन उसको आपको पाइप, आपने जैसे ही पाइप को बेंड करा तो वो आपको कैंडल नज़र नहीं आएगी, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन्स, और उसी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने को ही रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो गया. तीसरा है द मोशन ऑफ द प्लग स्ट्रिंग ऑफ अ सितार इज एन ऑसिलेटरी मोशन. अच्छा, जो स्ट्रिंग है आपका सितार का वो एक दोलन गति होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, वो भी सही है. लेकिन क्या यह ज़रूरी है कि ऑल पीरियोडिक मोशंस आर सर्कुलर मोशंस? नो, दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि सारे जो पीरियोडिक मोशंस होते हैं, पीरियोडिक मतलब आवर्ती जो गति होती है जो कि पेंडुलम में भी होती है, वो सर्कुलर हो, यह ज़रूरी नहीं है. तो हमारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों ने चुननी थी, तो उसे इनकरेक्ट में ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट. ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर? हमें प्लेन मिरर में इमेज दी हुई, मतलब ये ऑप्शंस दी हुई हैं तो हमें ढूंढना है. पहला है इमेज इज इरेक्ट, इमेज इरेक्ट होती है, हाँ जी वैसे होती है बिल्कुल. इमेज इज रियल? नहीं, जब भी मिरर में इमेज बनती है और वो भी प्लेन मिरर में, वो रियल नहीं होती. द रियल इमेजेस आर दोस विच कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन एंड दिस इज वर्चुअल इमेज, राइट. फिर है इमेज लेटरली इन्वर्टेड होती है, बिल्कुल. राइट का हमें लेफ्ट नज़र आता है, लेफ्ट का हमें राइट नज़र आता है, ये भी सही है. तो इमेज साइज इज सेम दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. आपका साइज और आपकी इमेज का साइज ऑब्वियसली सेम होता है. ये तो है नहीं कि अगर आप 4 फुट के हो तो आपकी जो इमेज आएगी वो 5 फुट की आएगी, ऐसा तो नहीं होता. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है, ए सी और डी, वो बिल्कुल ठीक है. ठीक है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट है, ये तो पैडागोजी के क्वेश्चन है, मैं कंटेंट पे ही जा रही हूँ, पैडागोजी नहीं ले रही हूँ. हाँ, ये आ गया हमारे पास साइंस कंटेंट का पोर्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अब हमें इससे में से करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है. पहली बात है कि पश्मीना शॉल इज मेड फ्रॉम हेयर ऑफ गोट्स. बिल्कुल सही, पश्मीना शॉल बिल्कुल गोट के हेयर से ही बाई जाती है. अंगोरा इज़ अ टाइप ऑफ वूल ऑब्टेन फ्रॉम रैबिट्स. एक्चुअली ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन रहती है कि अंगोरा जो है वो गोट से पाई जाती है या शीप से पाई जाती है. अंगोरा जो है वो रैबिट से ही पाई जाती है, और जो अंगोरा नाम की वूल होती है वो रैबिट से पाई जाती है, लेकिन अंगोरा गोट एक अलग प्रजाति है. मतलब इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है. हम लोग वो कर लेते हैं ना कि अंगोरा जो है वो अंगोरा गोट से पाई जाती है, ऐसा नहीं है. अंगोरा इज़ अ टाइप ऑफ वूल ऑब्टेन फ्रॉम रैबिट्स. तीसरा है कैमल वूल इज़ यूज टू मेक कारपेट्स, और चौथा है पश्मीना वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम रैबिट्स. ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं. तो हमारे सी ए जो है सेकंड, वो बिल्कुल ठीक है कि ए एंड बी आर राइट ऑप्शंस, कि पश्मीना शॉल इज ऑब्टेन फ्रॉम गोट्स एंड अंगोरा इज अ वूल ऑब्टेन फ्रॉम द रैबिट्स. फाइन, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एनिमल्स ऑन द बेस ऑफ फीचर्स लिस्टेड बिलो. अब हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है इसमें से कि इनमें से कौन सा जिसमें ये फीचर्स पाए जाते हैं. लॉन्ग बैकबोन, लॉन्ग बैकबोन किसकी होती है. फिर दूसरा है मैनी मसल्स, बहुत सारे मसल्स किसमें होती हैं. ठीक है, फिर तीसरा है बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड. लूपिंग किसमें होती है, जिससे कि वो आगे बढ़ता है एनिमल. ठीक है, फिर उसके बाद है कि बॉडी, हाँ तीन ही ऑप्शंस हैं हमारे पास इसमें. अब हम लोगों को इसमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ये एनिमल है. तो स्नेक जो है वो एक ऐसा है इसमें जिसकी लॉन्ग बैकबोन भी है, बहुत सारी मसल्स भी हैं, और बॉडी जो है वो कर्व करती है लूप्स में आगे बढ़ने के लिए. ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन के क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है. अब पहला ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड. देखिए वैसे तो जनरली आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड ही लेती हैं.
ठीक है, लेकिन इन्होंने पहला जो चीज़ लिखी हुई है वो ऑल लिखा हुआ है, तो वो ध्यान से पढ़िएगा। सेकंड है फिर ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स, क्या सभी आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजन को ले जाती हैं फ्रॉम द हार्ट टू द अदर पार्ट्स, ठीक है। और तीसरा है आर्टरीज के थिक वॉल्स होती हैं और इलास्टिक होती हैं। अब इनमें से हम लोगों ने वो चुनना है जो कि नॉट ट्रू है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है कि ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, विच कैरी द ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, सो इट इज़ नॉट करेक्ट, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। दिस ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट मैचिंग ऑर्डर। करेक्ट मैचिंग ऑर्डर में आप पहला देखिए एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड जो है वो उसको हम कहते हैं विनेगर, ठीक है। और जो लैक्टिक एसिड है वो किस में पाया जाता है, इन कर्ड। ऑक्सैलिक एसिड जो है वो स्पिनच, और एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो पाया जाता है सिट्रस फ्रूट्स में, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, वी विल कम अप विद द नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर tomorrow or the day after tomorrow as soon as possible, and if there are any queries, any questions, you can ask me in the description box, aur inka jo content explained hai pura ka pura wo meri videos mein hai, to please follow my channel Vishal Chhabra Academy, like, share and subscribe, and please press the bell icon for the new videos. Thank you so much, bye bye, take care, stay home, stay safe.